दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैमसंग ने अपने सैमसंग के ए सेवेंटी थ्री फाइव जी स्मार्टफोन के अंदर इंडिया के अंदर वन यू वाई सिक्स पॉइंट जीरो एंड्राइड फोटीन का सॉफ्टवेयर रोल आउट करा दिया है तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था कि मैं अपने आने वाले वीडियो में फुल रिव्यू मैं आपको लेकर आऊँगा कि इस सैमसंग के ए सेवेंटी स्मार्टफोन के अंदर वन ई वाई सिक्स पॉइंट के अंदर क्या क्या नए चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं क्या क्या नए फीचर आपको इंक्लूड किया है सैमसंग ने इस एंड्राइड फोर्टीन के अंदर तो पूरा मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में आप लोग साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखिए सैमसंग ने ए सेवेंटी स्मार्टफोन के अंदर जो है अपडेट इंडिया के अंदर रोल आउट करा दिया गया है इसके अंदर आपको अगर हम अपडेट फाइल की अगर बात करते हैं तो इसकी अपडेट की फाइल लगभग तीन जी के आसपास की यानी तीन हजार अड़सठ एम बी की अपडेट की फाइल है नवंबर का सी रुपये देखने को मिल जाते हैं तो चलिए इसका फुल रिव्यू हम जान लेते हैं इसके अंदर समसंग ने क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिला है और क्या क्या नए फीचर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इस एंड्रॉइड फोर्टीन के अंदर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वन ई वाई सिक्स पॉइंट जीरो एंड फोर्टीन के आफ्टर अपडेट के बाद हम अगर चेंजेस के सबसे पहले हम बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो चेंजेस हुआ है नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जो है ये कुछ हमें वन ई वाई सिक्स पॉइंट जीरो एंड्राइड फोर्टीन के अपडेट के बाद में हमें जो है कुछ इस तरह का हमें नोटिफिकेशन वन ई वाई हमें जो है देखने को मिल जाता है यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन का जो है अलग अलग जो है यहाँ पे स्लोड स्लॉट जो है बना कर रखा है सैमसंग ने यहाँ पे वाईफाई का अलग स्लॉट ब्लूटूथ का अलग स्लॉट और यहाँ पर पूरा जो है नोटिफिकेशन अगर हम यहाँ पर डाउन किए हैं तो देख सकते हैं नीचे जो है स्मार्ट व्यू का मिररर स्क्रीन डिवाइस कंट्रोल डार्क मोड आई कम्फर्ट सील यहाँ पे कुछ इस तरह का अलग अलग जो है स्लॉट बनाकर इसके इसक्रो है सेट करके रखा गया है इस नए नोटिफिकेशन वन ई वाई सिक्स पॉइंट जीरो के आ, अपडेट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें जो है चेंजेस देखने को मिल जाता है इस नोटिफिकेशन पैनल के अंदर तो यहाँ पे देख सकते हैं आप भी अगर अपडेट नहीं किए तो अपडेट अपडेट करिए जल्दी से और नए जो है चेंजेस और नए नोटिफिकेशन का आनंद लीजिए और यहाँ पे अगला चेंजेस मैं आपको अभी बताता हूं अगला जो चेंजेस किया गया है आप अभी यहाँ पे खुद स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लॉक स्क्रीन को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से टाइम डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे अपने लॉक स्क्रीन पे अगर यहाँ पे वॉलपेपर सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं अपने मन मुताबिक जहाँ पे भी कहें सेट करना चाहते हैं वहाँ पे सेट करके रख सकते हैं ये जो अगला चेंजेस हुआ है आफ़्टर वन सिक्स पॉइंट ज़ीरो एंड्राइड फोर्टीन के अपडेट के बाद में जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपने जो है लॉक स्क्रीन को यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर और यहाँ पे अलग अलग जो है आ, कलर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं अपने हिसाब से जो है इस लॉक स्क्रीन का यहाँ पे टाइम और डेट का यहाँ पे कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं तो ये कुछ जो है मेजर मेजर से समसंग ने चेंजेस किए हैं वन ई वाई सिक्स पॉइंट जीरो एंड्राइड फोर्टीन के अपडेट के बाद में अगला जो चेंजेस हुआ है आफ्टर वन ईवाई सिक्स पॉइंट जीरो एंड्रॉइड फोर्टीन के बाद में यहाँ पे सैमसंग के वेज ऑप्शन के अंदर जो कि कुछ इस तरह का हमें जो है इंटरफेस हमें देखने को मिल जाते हैं इस इस जो है वेज वाले ऑप्शन के अंदर और इस जो वाले ऑप्शन के अंदर एक और भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है जो कि कस्टम कैमरा का ऑप्शन हमें जो है देखने को मिल जाते हैं इस जो है अपने समसंग के जो भी यहाँ पे वन वाई सिक्स पॉइंट जीरो पे अपडेट हुआ है इस स्मार्टफोन इसके अंदर जो है कस्टम कैमरा का ऑप्शन जो है वेज के अंदर जो है ये जो है एड ऑप्शन को ऐड किया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से अपने कैमरा को अपने वेट्स uh, के uh, हिसाब से अपने स्क्रीन पर जो है चला सकते हैं इस तरह आप अपने जो है कैमरे को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे लाकर तो इस तरह आप अपने फ़ोन के अंदर जो है वेट्स जो है सेट कर सकते हैं कैमरे के अंदर तो ये जो है कुछ नया नया जो है माइनर माइनर से जो है सामसंग ने वन वाई सिक्स पॉइंट जीरो के अंदर जो है चेंजेस किया है तो आफ्टर अपडेट के बाद अगर हम इसके सेटिंग के वन वाई आइकन की अगर हम बारे में बात करते हैं तो आइकन भी काफ़ी यहाँ पे स्मॉल और यहाँ पे काफ़ी यूनिक सा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं आफ्टर वन वाई सिक्स पॉइंट जीरो अपडेट के बाद में यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सैमसंग के जो है जो भी यहाँ पे फ़ोन जो है अपडेट हुए हैं उसके अंदर जो है सेटिंग के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें जो है इसके जो भी ऑप्शन है इसके आइकन भी हमें जो है कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये कुछ सैमसंग ने चेंजेस किए हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर और मैं जो बताया था लॉक स्क्रीन के जो है चेंजेस के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन को और भी काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं इस लॉक स्क्रीन के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिया जाता है लॉक स्क्रीन पे जो भी यहाँ पे टाइम अगर यहाँ पे सेट करके रखते हैं तो इस जो है ऑप्शन जो भी यहाँ पे आपके लॉक स्क्रीन पर सेट होगा इसका जो है ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा यहाँ पे कम कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑटो रिवर्स टेक्स कलर यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तो ये काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन जो है सैमसंग ने चेंजेस किए हैं अपने वन वाई सिक्स पॉइंट जीरो के एंडवाइड फोरटीन अपडेट के बाद में और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो है अपने जो है नोटिफिकेशन पैनल को स्लाइड करके यहाँ पे जो है अपने म्यूज़िक को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं और अगर मैं आपको और भी जो है छोटा छोटा अगर चेंजेस अगर बताऊंगा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लंबा हो जाएगा तो मैं जो मेन में जो है चेंजेस हुए थे जो मैं इस वीडियो के अंदर जो है बता रहा हूँ और जो यहाँ पे अगला चेंजेस हुआ है अपने सैमसंग के जो है नोटिफिकेशन के अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर एक ऑप्शन को ऐड किया गया है जो कि क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस ये जो ऑप्शन है आप यहाँ से इसे ऑन करना अपने नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पे ऑन करेंगे तो आप अपने जो है राइट साइड से पुल डाउन करेंगे तो वहाँ पे क्विक जो है अपने नोटिफिकेशन से एक्सेस ले सकते हैं वहाँ से अपने हिसाब से जो है जो भी ऑप्शन को यहाँ पे सेट करके नोटिफिकेशन के अंदर जो है रख सकते हैं आप वहाँ से क्विक जो है इंस्टेंटली जो है एक्सेस कर सकते हैं हैं इस नोटिफिकेशन वाले इंस्टेंट एक्सेस ऑप्शन के अंदर तो ये कुछ जो है चेंजेस हुए हैं सैमसंग के वन UI 6.0 अपडेट के बाद में और ये ये जो है चेंजेस हुआ है समसंग के वन ईवाई फाइव के अकॉर्डिंग जो सैमसंग के कीबोर्ड के अंदर जो इमोजेस दिया गया है जो इमोजी स्टाइल है इसको यहाँ पे री स्टाइल मतलब यहाँ पे चेंजेस किया गया है जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है वन ईवाई सिक्स के अंदर वन वी वाई फाइव के अंदर कुछ इमोजी के स्टाइल कुछ इस तरह से नहीं थे जो कि अब जो है इस चेंज चेंज करके इसको कुछ इस तरह का जो है री स्टाइल में जो है इमोजी को इस तरह अपने कीबोर्ड के अंदर सैमसंग कीबोर्ड के अंदर जो है दिया गया है तो ये भी जो है एक नया चेंजेस हमें जो है देखने को मिल जाता है और ये थे कुछ सैमसंग के स्मार्टफोन के आफ्टर वन वाई सिक्स एंड्रॉइड फोर्टीन के जो है चेंजेस जो किया गया है फोर्टीन के बाद में जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाया हूँ तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन फुल रिव्यू दिया हूँ आफ्टर वन यू वाई सिक्स पॉइंट जीरो एंड वाइड फोरटीन के फ़ीचर्स के बारे में जो कि अगर मैं आपको एक एक और छोटा छोटा करके फीचर मैं आपको बताता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता इसीलिए मैं आपको जो मेन मेन फीचर थे इस वीडियो में आपको शेयर किया हूँ आफ्टर वन वाई सिक्स पॉइंट जीरो एंड वाइड के बाद में तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा